बोलो श्री देवनारायण भगवान की। सबसे पहले श्री देवनारायण भगवान को नमन करते हैं, उसके बाद में दगदम्बा माता तोत भवानी इंद्रगढ़ इंद्रासन मेरी सीता माता को नमन करते हैं, उसके बाद बजरंग बली को नमन करते हैं और 36 करोड़ देवताओं को नमन करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले कि इनका आसरा होता है किसी आदमी के ऊपर फेमस होने के लिए, ऊपर सबसे पहले इनको ही मनाते गणेश जी महाराज को, क्योंकि गणेश जी महाराज की पावन धरती पे हम रहते हैं, इसलिए गणेश जी महाराज को मनाते हैं। गणेश जी महाराज को संसारी मनाती हैं। गणेश जी महाराज की जय, श्री देवनारायण भगवान की जय। राम राम दोस्तों और सभी कलाकारों को राम राम, जो कि हमसे बड़े कलाकार हैं, कवि बहादुर सिंह जी निमोद, हनुमान गुजर निमोद, हनुमान जी विजयपुरा, बुधराज जी गुजर बागड़ोली, राम खिलाड़ी गुजर कोलाड़ा गंगवाड़ा, भाई सीताराम बागड़ोली, भाई दारा सिंह गोजारी, भाई मंदराज आंदोली और भाई भागचंद वसुनपुरा और कोटा साइड के कलाकार जितने भी हैं उनको मेरा राम राम। भीलवाड़ा साइड के जितने भी कलाकार हैं उनको राम राम। मंदराज दीवाना जो कि हमारे फेवरेट कलाकार है, हमारे साथ चलता है भाई मंदराज दीवाना, क्योंकि राजस्थान का किंग है, बहुत मार्केट में अच्छे चल रहा है, उनको मेरा राम राम बहुत बहुत, क्योंकि हम दोनों साथ प्रोग्राम भी किए हैं और अच्छी तरह मामा भांजा के नाम से फेमस भी हैं। और बूंदी साइड के कलाकार उनको राम राम। कोटा जितने भी मेरे युवा साथी जितने भी कलाकार नए नए पपलेश गुजर भाई जे भी हैं उनको मेरा राम राम। राम राम दोस्तों, एक ही बात कहूँगा मैं, क्योंकि सबसे बड़ा संसार में प्यार होता है, प्यार के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जिस दोस्त को प्यार से रखोगे तो प्यार मिलेगा, वही साथ देंगे, झगड़ने से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी भाई जो झगड़ा चल रहा है मंदराज दीवाना के और भाई भतीलाल टाइगर के, उस झगड़े के मामले में अपनों को तो कुछ मालूम नहीं है ऐसा तो, और मालूम भी हो तो ऐसी बात नहीं है, कोई इनके बीच में कोई संघर्ष नहीं है ऐसी बात का, दोनों भाई एक थाली में खाते हैं। अब कुछ बात में साथ रहते हैं दोस्त, तो अब मैं भोला राम के साथ रहता हूँ तो भोला राम से कभी झगड़ा भी हो सकता है, छोटा मोटा साथ रहेंगे तो, घर में रहेंगे तो घर में झगड़ा होगा, घर में सासू बहू के झगड़ा होता रहता है, ऐसा ही इनका है, होता रहता है झगड़ा। भाई मैं तो मंदराज दीवाना से भी ये कहूँगा और बत्तीलाल टाइगर से भी, क्योंकि तुम दोनों भाई हैं, लड़ने से कुछ नहीं होगा, आपके आपकी लड़ाई से किसी दोस्तों को किसी समाज को टकराना अच्छी बात नहीं है। दूर दूर से फोन आ रहे भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, आपके संघ का कलाकार मंदराज दीवाना, भाई मेरा संघ का कलाकार है भाई, पर लड़ाई का मेरे को मतलब पता नहीं है भाई कैसे लड़ाई हो गई इनके, इसलिए इस लड़ाई को यही समाप्त करे। भाई बत्तीलाल से भी निवेदन करता हूँ कि आप आपकी ठोर है, मंदराज दीवाना की ठोर है, बिल्कुल अलग अलग है, लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है दोनों भाइयों को, और दोनों भाई मेरे भी भाई हैं, उनके दोनों भाई मेरे भी भाई हैं, भाई सभी संसार के भाई हैं मेरे, जितने भी मेरे फैन हैं दोस्त हैं सभी भाई हैं, मैं तो सब किसी से आदनता है, किसी से मैंने कुछ भी नहीं किया मेरी लाइफ में, मैं ये कहूँगा कि किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, जब तक गाना गाना है भगवान की कृपा रहेगी तो आपके बीच में गाना गाता रहूँगा, और भाई मंदराज भी जब तक साथ रहेगा उनके साथ गाता रहूँगा। मैं ये नहीं करता भाई कौन से कलाकार के साथ नहीं जाना किसके साथ जाना है, मैं ऑलराउंड परमिट, कोई भी कलाकार हो वो सब मेरा भाई है, ऑल राजस्थान में कोई भी ऑल इंडिया में कोई सा भी कलाकार हो मेरा भाई है, इसलिए जो लड़ाई हो रही है आई लड़ाई में भी कुछ नहीं है, लड़ाई छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी लड़ाई नहीं है, लड़ाई ज़्यादा बड़ी कौन करते हैं, यूट्यूब चैनल वाले इतनी सी बात को रिकॉर्डिंग कर करके चैनल चलाने के लिए, रिकॉर्डिंग का पोस्टर बना बना के चैनल चलाने के लिए उसको आगे भेज देते हैं, क्योंकि उनका चैनल चले इसलिए फैला रहे लड़ाई, ज्यादा लड़ाई फैला रहे कौन है चैनल वाले, भाई चैनल वाले बुरी बात को क्यों डालते हैं, बुरी बात डालोगे तो लड़ाई होगी, इसलिए बुरी बात को ना डाले, जहाँ की जाए खत्म करे। मंदराज तो मंदराज की जगह सही है, बत्तीलाल बत्तीलाल की जगह सही है, इनके बीच में क्या लड़ाई हो इनके अपनों को पता नहीं है भाई कौन बुरा कौन सही है, इसलिए बत्तीलाल टाइगर से भी यही कहूंगा कि लड़ाई ना करे, और मंदराज से भी यही कहूंगा भाई से लड़ाई ना करे। दूर दूर से कलाकार आ रहे हैं, कृष्णा गुजर बॉलीवुड के सिंगर हैं बहुत बड़े, वो भी हमारे भाई, उनसे भी निवेदन करूंगा भाई आपको जो आपने एफ आई आर दर्ज कराई भाई बत्तीलाल के लिए, अपना भाई है बत्तीलाल भी,
उसको आपके हिसाब से कर लेना सेटलमेंट, क्योंकि बात करके मतीलाल से भाई से बात कर लेना, ज़्यादा बड़े बढ़ाने की कोई वो नहीं है, क्योंकि अपना एक समाज है, गुजर समाज में दरार चला रहे हो, लड़ाई क्यों करते हो। मंदराज दीवाना अपना भाई है, वो अपना भाई, बातचीत करके सुलझा लो मैटरल को, ज़्यादा बड़ा ना करे, क्योंकि बड़े बड़े नेता उनके पास फोन गया वो बुरी बात है, क्योंकि इसमें मंदराज दीवाना के पैर मंदराज दीवाना के आड़ी चलेगा। अब मैं तो यार इतना सा ही कहूँगा कि दोनों भाई अपने ही, इनको लड़ाना मुश्किल है, क्योंकि इनकी लड़ाई हो जाएगी तो समाज में लड़ाई फैल सकती है, इसलिए इस रामलीला को यहीं समाप्त कर दे दोस्तों, ये चीज़ बुरी है। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को जो मेरे चैनल पे जितने भी ये बात, बोले श्री देवनारायण भगवान की, सबसे पहले श्री देवनारायण भगवान को नमन करते हैं, उसके बाद में दगदम्बा माँ तोत भवानी इंद्रगढ़ इंद्रासन मेरी सीता माता को नमन करते हैं, उसके बाद बजरंग बली को नमन करते हैं, और 36 करोड़ देवताओं को नमन करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले कि इनका आसरा होता है किसी आदमी के ऊपर फेमस होने के लिए, ऊपर सबसे पहले इनको ही मनाते, गणेश जी महाराज को, क्योंकि गणेश जी महाराज की पावन धरती पे हम रहते हैं, इसलिए गणेश जी महाराज को मनाते हैं, गणेश जी महाराज को संसारी बनाती हैं। गणेश जी महाराज की जय, श्री देवनारायण भगवान की जय, राम राम दोस्तों, और सभी कलाकारों को राम राम, जो कि हमसे बड़े कलाकार हैं, कवि बहादुर सिंह जी निमोद, हनुमान गुजर निमोद, हनुमान जी विजयपुरा, बुधराज जी गुजर बागड़ोली, राम खिलाड़ी गुजर कोलाड़ा गंगवाड़ा, भाई सीताराम बागड़ोली, भाई दारा सिंह गोजारी, भाई मंदराज आंदोली, और भाई भागचंद वसिनपुरा, और कोटा साइड के कलाकार जितने भी हैं उनको मेरा राम राम, भीलवाड़ा साइड के जितने भी कलाकार हैं उनको राम राम, मंदराज दीवाना जो कि हमारे फेवरेट कलाकार है, हमारे साथ चलता है भाई मंदराज दीवाना, क्योंकि राजस्थान का किंग है, बहुत मार्केट में अच्छे चल रहा है, उनको मेरा राम राम बहुत बहुत, क्योंकि हम दोनों साथ प्रोग्राम भी किए हैं और अच्छी तरह मामा भांजा के नाम से फेमस भी हैं, और बूंदी साइड के कलाकार उनको राम राम, कोटा जितने भी मेरे युवा साथी जितने भी कलाकार नए नए पपलेश गुजर भाई जे भी हैं उनको मेरा राम 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 दोस्तों। एक ही बात कहूँगा मैं, क्योंकि सबसे बड़ा संसार में प्यार होता है, प्यार के बगैर कुछ भी नहीं होता है, जिस दोस्त को प्यार से रखोगे तो प्यार मिलेगा,